आज निकलेगा गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ। गुजरात के बहुत राज्य से शुरू होगा विवेकानंद युवा विकास यात्रा। युवा वोटरों पर मोदी की नजर, जेटली और राजनाथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 11 अक्टूबर तक 182 विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलेंगे मोदी। उसी रथ में सवार होंगे जिस पर आडवाणी अपनी रथ यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट प्रूफ होगा मोदी का रथ। नरेंद्र मोदी ने महंगाई को लेकर मनमोहन और सोनिया पर बोला हमला। छोटा उदयपुर की एक सभा में कहा, सोनिया गांधी और पीएम को नहीं पता गरीबी क्या होती है। छोटा उदयपुर को जिला बनाने का भी किया ऐलान। जनता महंगाई से बेहाल, लेकिन कांग्रेस की मालामाल। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस को मिला 7 साल में 2008 करोड़ का चंदा। 1768 करोड़ बेनामी, माइनिंग कंपनी ने दिए सबसे ज्यादा चंदा। चंदे से बीजेपी को भी सैकड़ों करोड़ की आय। 2004 से 2011 तक मिले 995 करोड़, 786 करोड़ का कोई हिसाब नहीं। बीएसपी की 484 करोड़ की आय का कोई हिसाब नहीं। समाजवादी पार्टी के पास भी 247 करोड़ में से 47 करोड़ का ही है हिसाब। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने पीएम कैंडिडेट के विवाद पर ली चुटकी, बोले देश में पीएम का पद पकौड़ी हो गया है। कहा एनडीए में पीएम पद के दावेदारों की कमी नहीं, चुनावों के बाद तय होगा उम्मीदवार का नाम। कोयला घोटाले में बीजेपी भी घिरी। नितिन गडकरी के करीबी सांसद अजय संचेती की कंपनी के खिलाफ सीबीआई दर्ज कर सकती है एफआईआर। संचेती की कंपनी के खिलाफ सीबीसी ने दिए थे जांच के आदेश। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कोयला घोटाले के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। का तीन आरोपी मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए बीजेपी ने संसद खत्म किया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सीएजी पर जड़े आरोप। कोल ब्लॉक आवंटन पर बने अंतर मंत्रिमंडलीय समूह की रिपोर्ट टली। रिपोर्ट पेश करने में एक हफ्ते का और वक्त लग सकता है। 12 सितंबर को फिर से होगी आईएमजी की बैठक। गोवा सरकार ने आयरन ओर के खनन पर रोक लगाई। 90 कंपनियों को काम बंद करने का दिया आदेश। शाह कमीशन की रिपोर्ट पर की कार्रवाई। 35,000 करोड़ का हुआ घोटाला। मध्य प्रदेश के खंडवा में जल सत्याग्रह खत्म। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के आगे झुकी। ओंकारेश्वर बांध में जलस्तर कम करने पर राजी हुई सरकार। 3 मंत्रियों की समिति गठित करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के हरदा में जल सत्याग्रह कर रहे आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े। कहा इंदिरा सागर बांध में जलस्तर कम करने पर राजी नहीं है सरकार। भेदभाव का लगाया आरोप। आंदोलन और उग्र करने की दी है चेतावनी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने जेल से लिखी चिट्ठी। कहा लिखा, मैं कोई अपराधी नहीं कि जमानत लूं। जब तक ब्रिटिश राज का कानून नहीं हटेगा सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी। गिरफ्तारी पर मचा बवाल। यूपी के उन्नाव में असीम के साथियों ने किया प्रदर्शन। कानपुर में असीम के माता पिता गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरे। असीम त्रिवेदी के समर्थन में आए अरविंद केजरीवाल। कहा कार्टून पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन देशद्रोही नहीं है असीम। बीजेपी और जेडीयू ने भी गिरफ्तारी का किया विरोध। अभिनेता संजय दत्त को मिली राहत। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज मामले राज्य सरकार ने वापस किए। संजय दत्त के खिलाफ मऊ, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में दर्ज हुए थे केस। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने आगरा के करीब तेल कंपनी की यूनिट का उद्घाटन किया। बग्गी पर सवार होकर शमशाबाद के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव। जनता को भी किया संबोधित। बिहार में नीतीश के सुशासन की पोल खोलेंगे बीजेपी सांसद। पूर्णिया से बीजेपी सांसद उदय सिंह ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा गरीब जनता को नहीं मिल रहा फायदा। 30 सितंबर को पूर्णिया में करेंगे वेदना प्रदर्शन रैली। सूरत में नई रेलगाड़ी के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े। ट्रेन के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री तुषार चौधरी और बीजेपी सांसद सीआर पाटिल दल बल के साथ आए। एक दूसरे पर की अपशब्दों की बारिश।
उमर अब्दुल्ला सरकार की मंत्री ताज मोहिद्दीन पर मंत्री पद की धौंस दिखाने का आरोप। मंत्री के सिक्योरिटी ऑफिसर ने श्रीनगर में ट्रैफिक कांस्टेबल की पिटाई की। कांस्टेबल ने ट्रैफिक लाइट जंप करने पर मंत्री जी की गाड़ी को रोकने की दिखाई थी हिम्मत। देश की राजधानी दिल्ली में आज से गुटखे की बिक्री पर बैन। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, उत्पादन से लेकर बिक्री तक लगी रोक। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर भी पाबंदी। देश के कई राज्यों में गुटखे पर लगा है बैन। दिल्ली में भी गुटखे पर बैन लगने की हो रही थी मांग। गुटखे पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली नौवां राज्य, बिहार महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पहले से ही है पाबंदी। तमिलनाडु के कुडंदकोलम प्रभावित केंद्र विरोध की आज और हुई तेज। कुटिकोरिन में लॉ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। कुडंदकोलम के मुद्दों पर छात्रों ने की सरकार की नीतियों की मुखालफत। मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। कुडंदकोलम आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प। कुटिकोरिन के मछुआरों ने भी किया हड़ताल का ऐलान। कहा नहीं बनने देंगे परमाणु प्लांट। आसपास के गांवों के हजारों लोग भी विरोध पर उतरे। कुडंदकोलम प्लांट में जल्द भरा जाना है ईंधन। राजस्थान में 199 मोबाइल टावर्स को किया गया बंद। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया कदम। सोमवार को मोबाइल टावर किए गए 30 टावर बंद होने से लाखों मोबाइल उपभोक्ताओं को आई दिक्कतें। दिल्ली के जीबी रोड पर पुलिस कांस्टेबल कहता है गश्त के दौरान बदमाशों के बीच झगड़े की मिली थी खबर। बदमाशों को रोकने पर कांस्टेबल के सीने में चाकू गोपा, एक दूसरा कांस्टेबल भी हुआ गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के राजनगर में छठी क्लास के छात्र की पीट पीट कर हत्या। स्कूल के सीनियर छात्र पर लगा आरोप। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। मृतक छात्र के पिता अमेरिकी दूतावास में कर विचार। दिल्ली के अलीपुर में दोस्त बना दोस्त का कातिल। दोस्त की पत्नी को हासिल करने के लिए किया मर्डर। करीब 10 घंटे तक कमरे में पड़ी रही शख्स की लाश। आरोपी ने बाद में थाने में किया सरेंडर। झारखंड के गढ़वा में शराब भट्टे के मालिक ने की हैवानियत की हदें पार। पैसों की मांग करने पर मजदूर के दोनों हाथ काटे। 3 महीने से मजदूर को पैसे नहीं दे रहा था शराब भट्टे का मालिक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे में 16 साल की लड़की की रहस्यमय परिस्थिति में मौत। ट्यूशन से घर लौटते वक्त अचानक गायब हुई लड़की। सुबह तलाश करने पर घर के करीब झाड़ियों में मिली लड़की की लाश। परिवार वालों ने बदमाशों पर जताया हत्या करने का शक। मुंबई से लगे कल्याण में बिजली के करंट से गई छात्र की जान। घर के बाहर खुला पड़ा था बिजली का तार। बच्चे की मौत के बाद गुस्सा लोगों ने किया बिजली दफ्तर पर हंगामा। लापरवाही के आरोप से कर्मचारी निलंबित। मुंबई के दहीसर इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस की समाज सुधार की शाखा ने मारा छापा। 14 गिरफ्तार। कई वर्षों से चल रहा था धंधा। मुंबई के गोमंडी सुधार गृह से 17 महिलाएं फरार। बाथरूम की खिड़की को बनाया भागने का रास्ता। सुधार गृह में रहती थी देह व्यापार से छुड़ाई गई महिलाएं और बारबाला। चेंबूर में मुंबई पुलिस के डीसीपी नामदेव चौहान की कार को दूसरी कार ने मारी टक्कर। डीसीपी के सिर पर आई चोट। लीलावती अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई में सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़े गए 2 फर्जी पुलिस वाले। महिलाओं को बनाते थे ठगी का शिकार। कई दर्जन महिलाओं मामलों में थी तलाश। पुलिस कस्टडी में भेजे गए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भीषण सड़क हादसा। 60 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। 26 शव मिले। कई लोगों की मौत की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में छात्रों का हंगामा। टीचर को निकाले जाने का विरोध कर रहे छात्र उत्पात प्रतारू हुए। पुलिस चौकी में खड़ी गाड़ियों को लगाई आग। छात्रों की पिटाई से कई पुलिसकर्मी हुए घायल। भारी पुलिस बल आने पर हालात संभला। दिल्ली में गलत बिजली बिल आने पर लोगों का हंगामा। नरेला इलाके में गुस्सा है लोगों ने किया सड़क जाम। महिलाओं ने लगाया बिजली वितरण कंपनी पर बढ़ा चढ़ाकर बिल देने का आरोप। बिजली कंपनी ने कहा खपत ज्यादा होने से ज्यादा आए बिल।
त्रिजा के सहानपुर में दूषित पानी पीने से 3 बच्चों की मौत, 150 लोग बीमार पड़े। गांव में मचा कोहराम, लेकिन नहीं पहुंची डॉक्टरों की टीम। प्रशासन मामला दबाने में जुटा। हैदराबाद में एक शख्स को मोटापे का इलाज कराना पड़ा महंगा। 80,000 खर्च करने के बावजूद डॉक्टरों ने की लापरवाही, गलत इलाज से गई जान। पुलिस ने क्लिनिक के खिलाफ दर्ज किया केस। महंगाई और वेतन कटौती के खिलाफ फिलिस्तीन में हिंसक प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, तोड़ फोड़ पर उतारू हुए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने हुई जोरदार भिड़ंत, कई जगह हुई आगजनी, पुलिस ने पाया काबू। पाकिस्तान के पारा चिनार के भीड़ भरे बाजार में कार बम से हमला, धमाके में 12 की मौत, 45 घायल। शिया मुसलमानों को बनाया गया निशाना, हमले में अल कायदा और तालिबान पर शक। चीन की यांगजी नदी का रंग हुआ लाल, चौगिंग शहर से होकर बहती है यांगजी नदी। नदी का बदला रंग देख हैरान हुए चौगिंग के बाशिंदे। जानकारों के मुताबिक बाढ़ से लाल रेत आने से बदला रंग। कीरे में किसानों और आदिवासियों के बीच पुलिस संघर्ष जारी, ताजा हिंसा में 38 की मौत, 9 पुलिस अफसर भी मारे गए। सीमा विवाद की वजह से शुरू हुए संघर्ष में अब तक 300 की मौत। आज 9/11 हमले की 11वीं बरसी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नई इमारत सबके आकर्षण का केंद्र बनी। सैकड़ों मजदूर रात दिन इमारत को बनाने में जुटे। 9/11 मेमोरियल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जुट रही है सैलानियों की भीड़।